हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से गई हो। बट जैसे ही कोई त्योहार चला जाता है तो साथ ही में एक सैडनेस आ जाती है, खालीपन आ जाता है। पर किसी चीज के जाने के साथ ही तो शुरुआत होती है ना किसी नई चीज के आने की। नया साल, नए मौके, नए चैलेंजेस, नई हमारी प्लानिंग। और हमारी यही प्लानिंग किस तरह से हेल्प कर सकती है हमारी होम मेकिंग में, तो आज बात करेंगे वीडियो में इन्हीं सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। बस एक दिन पहले ही लौटे हैं हम भी अपने होम टाउन से बहुत सारी नई यादें बना करके, और अब वापस आके लग गई हूँ मैं घर को समेटने में। दिवाली की जितनी भी डेकोरेशन थी उन सबको रिमूव करना था, अच्छे से सेटल करके रखना था, तो यही सब मैं आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये जो इतनी महंगी महंगी हम डेकोरेशन खरीदते हैं या इतनी मेहनत से जो चीज़ें बनाते हैं उनको उतना ही संभाल के रखना भी जरूरी होता है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर फिर हमारी इतनी मेहनत लगेगी या तो फिर इतने ही पैसे खर्च होंगे। तो मेरा हर साल का यही रूटीन रहता है, जब भी दिवाली चली जाती है टाइमली, देखिए मन तो खराब होता है बट ये सारी चीज़ें हमें रिमूव करनी पड़ती हैं। तो इसमें से जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो वॉश नहीं हो सकती हैं उनको मैं सेपरेट करके रख देती हूँ, और जो चीज़ें वॉश हो सकती हैं उनको तुरंत ही वॉश कर देती हूँ ताकि फिर रखने में, पैकेजिंग करने में आसानी हो। देखिए मेरा मानना है बेशक आपके पास बहुत सारे पैसे हों, आप हर साल नई चीज़ें खरीद सकते हो, बट एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए ज़रूरी है आप जितना चीज़ों को रीयूज़ कर पाएँ उतना हमें करना चाहिए। तो यही देखते हुए मैं चीज़ों को बड़े संभाल के रखती हूँ ताकि साल दर साल मेरे पास बहुत सारी डेकोरेशन भी इकट्ठी हो जाती है और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। तो इस तरह से त्योहारों के टाइम पर जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा आप अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। जितने भी इस तरह की फ्लावर हैंगिंग होती है ना जो प्लास्टिक की होती हैं, वुलन नहीं होती हैं, इजीली अगर आप उनको साफ पानी से भी निकाल के रख दें तो जितनी भी धूल वगैरह होती है, क्योंकि दिवाली के टाइम पर देखिए पोल्यूशन भी बहुत हो जाता है, आप चाहें तो थोड़ा सा सर्फ में से भी निकाल कर रख सकते हैं, बट मेरी डेकोरेशन इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है तो इसलिए मैं साफ पानी से निकाल के एक बार इस तरह से सुखा देती हूँ, बिना मशीन में लगाए, बिना इनको टाइट से निचोड़े, बड़े ही सॉफ्ट हैंड से करके मैं रख देती हूँ। और एक दिन में ये सूख भी जाती हैं तो नेक्स्ट डे मैं उनको पैक करके रख देती हूँ। तो अब मैं पैक कर रही हूँ वो सब चीज़ें, इस तरह की डेकोरेशन देखिए जितनी भी वॉश नहीं करती हूँ मैं, जिनको एज इट इज़ संभाल के रखती हूँ, क्योंकि बहुत ही नाजुक होती हैं, ये टूटने का भी डर होता है। और यहाँ पर पैकेजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरा कप एंड सॉसर का जो सेट मैंने निकाला था, उसका बॉक्स जो मेरे पास बचा था उसी को रीयूज़ कर रही हूँ मैं इस तरह की डेकोरेशन रखने के लिए। साथ ही जितनी भी डेकोरेशन मैं पैक करके रखती जाती हूँ साथ ही उसके ऊपर नाम लिखती जाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझे ढूंढना ना पड़े कि किस बॉक्स में क्या रखा है। दिवाली के टाइम पर साफ सफाई करते हुए हाथों की जो हालत हो जाती है, इवन पैरों की भी, तो अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आप किसी पार्लर में जाकर थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करें, घर पर भी आप एक अच्छा खासा ब्रेक लेके अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। अब देखिए जैसे फेस्टिवल पे हम डार्क शेड्स लगाते हैं, तो जैसे ही फेस्टिवल चले गए हैं तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगने लग जाता है, तो मैं अपने नेल पेंट की शेड चेंज कर रही हूँ, एक लाइट सी शेड मैंने चूज़ की है। इस तरह से जब मैं अपने आप को थोड़ी देर पैम्पर करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने ही हाथ देखकर हमें बहुत खुशी होती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये चीज़ सच में बहुत अच्छा फील होता है ये सब करके।
दिवाली पर डेकोरेशन में हम बहुत ज़्यादा इस तरह से फूलों का इस्तेमाल करते हैं, कभी हैंगिंग लगाने में, या तो कभी रंगोली बनाने में, या तो फिर पूजा में भी रखने पर। बट बाद में लगता है कि इन सब फूलों का क्या करें, क्योंकि फूलों को वेस्ट करना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मन में बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे फूलों से, तो ये देखिए मैं पौधों में डाल देती हूँ जो मेरे पास खाली पॉट्स रखे होते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में इनमें से बहुत सारे प्लांट्स निकल आएंगे और आपको आगे कोई भी फ्लावर्स के प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास बहुत सारे मैरीगोल्ड के प्लांट्स हो जाएंगे। अगर आपने मेरे लास्ट ईयर के वीडियो देखे हो तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स निकल गए थे और उनमें बहुत अच्छे अच्छे फूल निकलते हैं। और ये देखिए, ये है मेरा छोटा सा ऑरेंज का प्लांट, इसमें सारे के सारे ऑरेंजेस अच्छी तरह से पक गए हैं। किसी दिन तो मैं इनकी हार्वेस्टिंग करूंगी। जी हाँ, मैं प्रॉपर हार्वेस्टिंग करती हूँ। इनका जूस बना लेते हैं या कुछ तो बच्चे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, बट ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे ऑरेंजेस। तो इसी तरह नीचे के पॉट्स में भी जहाँ जहाँ जगह खाली लगती है या कोई पॉट मुझे खाली लगता है, वहाँ पर मैं इन फ्लावर्स को डाल देती हूँ। चाहे तो आप इनकी मदद से धूप भी बना सकते हैं, बड़ा ही इजी प्रोसेस होता है, अगर आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो नीचे जितने भी फ्लावर्स थे, डेकोरेशन थी, उन सबको सॉर्ट आउट करने के बाद अब मैं आ गई थी छत पर। लाइट्स भी मैं ही समेट कर रखती हूँ। जी हाँ, मुझे हर चीज़ प्रॉपरली वे में चाहिए। अगर मैं किसी और को बोलूँगी और वो चीज़ उस तरह से नहीं हुई तो फिर मेरा डबल टाइम खर्च होता है, इसलिए मैंने सोचा खुद ही क्यों ना कर लूँ इन सब चीज़ों को। तो जितनी भी रूफ़ पर लगने वाली एक्सटेंशन केबल्स हैं, जितनी भी वायर्स हैं, उनको अच्छे से रैप करके रखती हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से 8K फोम में बना लेती हूँ। इससे ना तो ये उलझती हैं ना ख़राब होती हैं, साल दर साल यही लाइट्स चलती जाती हैं। बिल्कुल भी आपके पैसों की सेविंग ना, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को मल्टीपल टाइम यूज़ करके और अच्छी तरह से केयर करके उनकी। जब भी हम अपने होम टाउन जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लेकर आते हैं। तो जैसे विंटर स्टार्ट हो रही है तो इस बार मैं लेके आई हूँ बेसन। ये देखिए, अपने सामने दाल का बेसन पिसवा कर हम लोग लेके आते हैं, तो पैकेट के बेसन से ये काफ़ी अच्छा रहता है। और साथ ही मैं लेकर आई हूँ मैं बाजरे का आटा। जी हाँ, जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा बाजरे का आटा बहुत ज़्यादा खाया जाता है विंटर में और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो ये सब इस तरह के फ्लोर में यहाँ पर डाल कर रख रही हूँ किचन में सामने ही, क्योंकि अगर ये अलमीरा में अंदर रखे रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल ही जाती हूँ इनको मिलाना। अब मैं क्या करती हूँ विंटर्स में कि ये सारे आटे थोड़ा थोड़ा मिलाकर मल्टीग्रेन चपाती बनाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। और इससे ये आटा ख़राब होने से भी बच जाता है, अगर अलमारी में रखा रहता है तो ये चीज़ें यूज़ ही नहीं हो पाती हैं। तो इससे क्या होता है, अब जितनी बार भी मैं चपाती बनाती हूँ मुझे सामने ही काउंटर टॉप पर ये सब चीज़ें दिखती रहती हैं। मैं तो थोड़ा थोड़ा आटे में मिलाकर ही इनकी चपाती बनाती हूँ। बच्चों को भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो भी सीखते हैं, इवन वैल्यू करना सीखते हैं अपनी देसी चीज़ों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर के पैकेट फूड खाकर या विटामिन मिनरल्स की गोलियां खाने से अच्छा है कि आप अपनी फूड हैबिट्स इस तरह की रखें जो आपकी इम्यूनिटी दें, आपकी हेल्थ का ध्यान रखें। तो जिस वीडियो में मैंने इस रैक के बारे में बताया था तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे लोग इसका लिंक मांग रहे हैं मुझसे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने तब भी बताया था ये हमने कस्टमाइज बनवाया है, ऑर्डर पर बनवाया है, ये कहीं से ख़रीदा नहीं है, तो इसका लिंक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आप साइज़ दे के अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनवा सकते हैं। पाउडर कोटिंग करवाई है हमने इसके ऊपर ऑफ वाइट शेड की, तो ये चीज़ें इस तरह से सस्ती भी पड़ती हैं बजाय कि ऑनलाइन ख़रीदने के। Thank you.
तो किचन का काम समेटने के बाद आ गई थी मैं वॉशरूम में। वॉशरूम को क्विकली थोड़ा सा क्लीन अप किया। अगर आप रेगुलरली इन चीज़ों को साफ करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम और मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डीप क्लीनिंग के टाइम पर। इसलिए मेरे घर में मोस्टली चीज़ें क्लीन ही रहती हैं, क्योंकि मैं टाइमली उनको क्लीन करती रहती हूँ। हर एक चीज़ को अगर आप प्रॉपरली यूज़ करें, तरीके से यूज़ करें, तो वो चीज़ उतनी गंदी होती ही नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम और मेहनत आपको लगाना पड़े। तो अगर मुझे टावल गीला दिखता है तो मैं टावल चेंज कर देती हूँ। जहाँ से मुझे जो चीज़ गंदी दिखती है मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। बस वॉशरूम क्लीन करने के बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए, और जितना मेरा बाकी काम बचा था वो सब मैंने किया। तो ये देखिए, नेक्स्ट डे तक मेरी फ्लावर हैंगिंग पूरी तरह से सूख चुकी थी, बड़े अच्छे से साफ हो चुकी थी। बस अब इनको मुझे पैक करके रखना था। तो यही मेरा हर साल का रूटीन होता है। तो ये देखिए, अब इनको उतार के, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इनको यहाँ पर भी हैंग करके रखेंगे तो फिर से धूल मिट्टी चढ़ने का डर रहता है। तो जैसे ये सूख जाती हैं मैं तुरंत ही उतार लेती हूँ, और साथ ही अब इनको पैक भी करके रख दूंगी। अब जैसे जैसे मौसम थोड़ा चेंज होने लगा है, हल्की हल्की सर्दियां आ गई हैं, तो मेरी ये बालकनी बहुत ही अच्छा स्पेस बन गई है बैठने के लिए। और ये टेबल जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी, बनाई थी, इसको रखने के बाद यहाँ का लुक ही पूरी तरह चेंज हो गया है। तो यहाँ पर बैठकर काम करने में काफ़ी अच्छा लगता है, हल्की हल्की धूप भी आती रहती है। तो ये देखिए, इस तरह के जो हमारे पास कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखे होते हैं, तो उन सबको मैं बचा कर रखती हूँ। तो जितनी भी फ्लावर्स हैंगिंग है, इस तरह से पूरी अच्छी तरह से रोल करके मैं इनके अंदर रख देती हूँ। देखिए, ऐसा है, मेहनत तो या तो आप अब कर लें या तो फिर तब कर लें जब नेक्स्ट ईयर फेस्टिवल आएंगे। और उस वक्त हमारे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इन सब चीज़ों को देने के लिए कि हम ढूंढते फिरें हमने क्या चीज़ कहाँ पर रखी है, फिर वो गंदी कंडीशन में रखी है, फिर उसको साफ करें, फिर उसको यूज़ करें। तो हमारे पास त्योहारों के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो अभी कोई इतना काम का बर्डन नहीं होता है। तो अच्छा यही रहता है कि इन चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट करके, टैग करके, नेम वगैरह लिख के रख दें। तो वही मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, पैक करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर नेम भी लिख दिया है, फ्लावर हैंगिंग। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं देखूंगी, जब मुझे इनकी ज़रूरत होगी तो सामने ही दिख जाएंगी। इवन मैं बच्चों को या हस्बैंड को बोलूंगी तो वो भी पहचान के बता सकते हैं कि किस बॉक्स में क्या रखा है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें पैक करके रखती हूँ मैं। एक बेस्ट होम मेकर होने का ना यही वो होता है कि आप चीज़ों को संभाल के कितनी अच्छी तरह से रखते हैं। तो ये देखिए, जितनी भी मेरी छत की लाइट्स थी उन सबको, मेरे पास अब कोई कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं बचा है, तो मैं इस तरह से पॉली बैग में रख रही हूँ इसको, इस कपड़े के बैग में। और इसके ऊपर भी मैं टैग लगा के रख दूंगी, और जितने भी इसके कनेक्टर्स हैं, मेल फीमेल वायर्स हैं, सब एक ही जगह रखती हूँ, ताकि यही बैग हम निकालें और पूरा हमारा रूफ की लाइट का काम सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से। और जो बाकी की बची लाइट्स थी मैं अलग से एक पॉलोथीन में रख दूंगी। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।